वेलकम बैक टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। और यहाँ पर आपको मिलेगा पेपर थ्री के पूरे 75 क्वेश्चन, जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उस पेपर को खुद अटेम्प्ट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो अमेजिंग लर्नर, वेलकम टू विजुअल नेट सीरीज। और आज हम जनवरी महीने का 2017 का पेपर करेंगे और पेपर थ्री करेंगे आज। आज 20 जुलाई 2020 को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो चलिए करते हैं, पेपर थ्री में 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द आर्टिस्ट हु इज नॉन टू इंट्रोड्यूस सेरीग्राफी एज अ मीडियम ऑफ आर्ट एक्सप्रेशन। देखिए सेरीग्राफी का यानी आर्ट एक्सप्रेशन में कौन किया था इंट्रोडक्शन, किसने दिया था? तो वो थे के जी सुब्रमण्यम, जिन्होंने सेरीग्राफी को, जो सिल्क स्क्रीन कही जाती है, उससे अपना यानी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिखाया था, ठीक है। तो हमारा जो है के जी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने, द ग्रुप ऑफ 12 आर्टिस्ट नेम्ड इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड वॉज फाउंड इन, जो एक गिल्ड वाला जो प्रिंट मेकर के लिए ग्रुप इस्टेब्लिश किया था वो 1990 में किया गया था, ठीक है, और 12 आर्टिस्टों के साथ मिलकर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे सामने, ट्रेडल पैंटर्न सिलेंडर एंड रोटरी मशीन बिलोंग्स टू। देखिए ये ट्रेडलर और प्लेट और सिलेंडर रोटरी मशीन के साथ लेटर प्रेस में यूज़ की जाती है, ठीक है। अगर ऑफसेट की बात करें तो ट्रेडलर को हटा दो, बाकी ऑफसेट में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे सामने, मोनोटाइप बिलोंग्स टू। जो मोनोटाइप्स होता है ये होता है यानी दो से ज़्यादा मीडियम का यूज़ करना अपने प्रिंट के अंदर, मोनोटाइप होता है। तो ये मेटल प्रिंटिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफिक आर्टिस्ट। इनमें से कौन सा ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं है यानी प्रिंट मेकर नहीं है? रेम्ब्रांट है, एडवर्ड भी है और चार्ल्स जेक्विस भी है, लिप्सिट्स जेक्स, ये प्रिंट यानी ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं है, मतलब प्रिंट मेकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे सामने, हु मेड प्रिंटेड इलस्ट्रेशन फॉर रविंद्रनाथ टैगोर बुक सहज पाथ। रविंद्रनाथ की जो बुक थी सहज पाथ, उसके लिए इलस्ट्रेशन बनाया था नंदलाल बोस ने, ठीक है। नंदलाल बोस को जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो कई जगह घुमाने भी ले गए, देश विदेश इनको इंट्रोड्यूस कराया कई जगह। और फिर जो इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी वहाँ पे प्रिंसिपल भी बनाया नंदलाल बोस को। क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे सामने, द लमासू रिप्रेजेंट, जो लमासू वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है हमारे विंग ह्यूमन हेड बुल, ठीक है। इसमें क्या होता है, चार पैरों का एक जानवर होता है, ह्यूमन हेड होता है और बुल टाइप का होता है। और इसमें क्या होता है ना कि उसके ना थोड़े से फर होते हैं, जो मेसोपोटामिया साइड के ये गॉड होता है, ठीक है, भगवान माने जाते हैं मेसोपोटामिया के वहाँ के। तो ये है हमारा लमासू। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, फ्रॉम वेयर डिड एम वी धरुंदा टेक हिज आर्ट एजुकेशन। एम वी धरुंदा ने हम अपनी आर्ट एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट करी थी? तो ये की थी सर जे जे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे सामने, हु पेंटेड द सीरीज नेम आफ्टर द साइक्लोन। आफ्टर साइक्लोन पेंट करी थी पारितोष सेन ने, ठीक है, पूरी सीरीज है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे सामने, वट इज यूज इन पेंटिंग ऑफ बसोली स्कूल टू शो द इम्प्रेशन ऑफ एमराल्ड। जो एमराल्ड का इम्प्रेशन था वो बसोली शैली में उस शो को यानी दिखाने के लिए वो यूज करते थे सोन कीरवा, ठीक है, ये इनकी विशेषता में भी आ जाती है, एट्रीब्यूट्स में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 11, पेपर कट आउट यूज फॉर डेकोरेटिंग एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। देखिए जब हम पेपर को काट कर किसी ऑब्जेक्ट पर चिपकाते हैं तो उसको कहते हैं डोकोपेज, ठीक है। तो ये रहा हमारा डोकोपेज। इसमें आप कोई सा भी पॉट ले लीजिए या कोई सी भी शेप ले लीजिए, जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट हो उसको ले लीजिए और उस ऑब्जेक्ट को यानी फेविकोल में हल्का सा पानी मिला के, यानी थोड़ा सा ज़्यादा बराबर मात्रा में पानी मिला के उसको यानी पेस्ट कर दीजिए। तो अपने यानी जो भी आपका जो वॉलपेपर हो, कोई डिज़ाइन हो, उसको ऐसे पेस्ट कर दीजिए तो वो उसी का यानी कवर कर सकता है उस पेपर को, ठीक है। तो उसी को हम डेको पेज वाला स्टाइल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने,
Trippich पेंटिंग एंटाइटल वेयर आर ऑल द फ्लावर गॉन्स इज पेंटेड बाय, तो ये जो पेंटिंग है ना वेयर आर ऑल द फ्लावर गॉन्स, ये बनाई थी अर्पणा कौर ने, और बहुत सिंपल मैसेज था कि जहाँ पर ह्यूमन का एग्जिस्टेंस होगा वहाँ पर नेचर को हार्म पहुँचना ही पहुँचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, वेयर इज रोजा ऑफ रानी सिपानी, जो रानी सिपानी की ये जो मस्जिद है ये रोजा है, तो ये अहमदाबाद के अंदर पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, हु कॉइन द टर्म एंटी आर्ट, जो एंटी आर्ट का जो शब्द है ये कॉइन किया था हमारे ड्यूचैम्प ने, मार्शल ड्यूचैम्प। मार्शल ड्यूचैम्प जाने जाते हैं अपने काम के लिए, और इन्होंने इनका अपने फाउंटेन वाला वर्क देखा होगा, जो यानी एक टॉयलेट सीट ही रख दी थी इन्होंने अपनी आर्ट गैलरी में, देखा होगा आपने ना, उसको फाउंटेन कहते हैं, और एक और उसी से इन्होंने एक रेडीमेड आर्ट का भी शब्द निकाला था, और एंटी आर्ट। बेसिकली क्या था ना, एंटी आर्ट का जो शब्द निकाला था ना, इसके पीछे यही फाउंटेन वाला काम था इनका, जो यानी सोसाइटी को अपोज करने के लिए ये इन्होंने आर्ट गैलरी में रख दिया था, शो करने के लिए अपना काम, कि अपोज करने के लिए सोसाइटी में, उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहे थे समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट, ये वाली जो बुक है एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट्स, ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी स्टेला कैम्ब्रिज ने। स्टेला कैम्ब्रिज यानी आकर यानी इंडिया के अंदर कई सारी गुफाओं के बारे में भी लिखे हैं उसने, और कई सारी ऐसी गुफाओं के बारे में लिखा जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, जैसे बदामी की गुफा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, वैकुंठ मूर्ति इज अ टाइपिकल एक्सप्रेशन ऑफ विष्णु पॉपुलर फाउंड फ्रॉम मेडिवल, देखिए जो वैकुंठ विष्णु की जो मूर्तियाँ मिलती हैं हमें वो कश्मीर में मिलती है सबसे पहले। ठीक है, इसके कई सारे यानी हमें मिले हैं साक्ष्य वगैरह। ठीक है, तो हमारे कश्मीर में रहेगा विष्णु की जो मूर्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, नेम द अर्लीस्ट केव, केव होगा यहाँ पे, ठीक है, हुज एंट्रेंस डेकोरेटेड इज प्रोटो वुडन टाइप, जो प्रोटो वुडन टाइप का जो एंट्रेंस है वो है हमारा लोमेश ऋषि की गुफा में, तो हमारा हो जाएगा ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये आपको पता ही होगा मौर्य काल में बनी, स्पेशली अशोक के कार्य में यानी काल में थर्ड BC की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग हुज पेंटिंग रिप्रेजेंट फ्रेंच क्लासिज्म, इनमें से किसकी पेंटिंग्स में यानी जो फ्रेंच क्लासिज्म है वो सबसे ज़्यादा दिखता है, तो वो है फ्रेंच क्लासिज्म कला, निकोलस पोशियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, लोथल एंड कालीबंगन बोथ आर, देखिए लोथल और कालीबंगन दोनों ही पॉपुलर साइट है इसकी हड़प्पा की, आपने हड़प्पा के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो लोथल है वहाँ पे यानी व्यापार किया जाता था, ट्रेड किया जाता था हड़प्पा से दूसरी सभ्यताओं के साथ, और कालीबंगन जहाँ पे चूड़ियों के साक्ष्य मिले उसी के ऊपर राजस्थान में इसका नाम कालीबंगन रख दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने, हार्वेस्टर इज अ स्कल्पचर बाय, जो हार्वेस्टर का स्कल्पचर है ये बनाया था हमारे रामकिंकर बैज ने, और इनका काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट रहता था, इन्होंने जो मीलो बनाया, संथाल फैमिली बनाया, हार्वेस्टर बनाया, ये बिल्कुल ही जो गरीब तबके होते थे उनको रिप्रेजेंट करते थे, उनका यानी दिखाया करते थे अपनी स्कल्पचर वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, बारबरा हेपबर्थ वाज अ, देखिए जो बारबरा हेपबर्थ थी वो एक US की US स्कल्पचर है, ठीक है, अमेरिकन स्कल्पचर, इन्होंने कई सारा काम किया स्कल्पचर के अंदर, आप देखना उसको। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, मीनिंग इज नॉट अ क्वालिटी बट अ फंक्शन ऑफ अ टर्म, ये बुक किसने लिखी है, वॉज रिटन बाय के लैंगर, सुजन के लैंगर। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी फेमस है बेसिकली ये जो राइटर है सुजन के लैंगर, और इन्होंने ये वाली बुक लिखी है मीनिंग ऑफ अ नॉट क्वालिटी बट अ फंक्शन ऑफ टर्म, और इनकी एक और फेमस बुक है फीलिंग एंड फॉर्म। ठीक है, फीलिंग एंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने,
बर्निंग ऑफ मार्बल स्टोन कुड बी एक्सप्रेस थ्रू द फॉर्मुलेशन. ये हमारे सामने ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसको हमने देखना है. तो CaCO3 का मतलब पता होना चाहिए पहले आपको. इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, जब हीट करते हैं, तब ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड बच जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 वो उड़ जाते हैं. ठीक है, तो ये जो बचाव होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं हम लाइम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने. हेनरी मूर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो हेनरी मूर थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, वो थे मायकी एस्टेक जो स्कल्पचर्स थे उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे जो हेनरी मूर थे. ठीक है, इनकी एक और फेमस फिगर है जो यानी माया इस यानी एस्टेक सभ्यता के जो स्कल्पचर है उससे ही रिलेटेड बनाया इन्होंने. ठीक है, उनसे इंस्पायर होकर बनाया, उसका नाम है रिक्लाइनिंग फिगर. ठीक है, स्कल्पचर्स में देखना आप, समझ में आएगा आपको. थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट में बनाया है इन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. क्वेश्चन नंबर 25 है, द नेम ऑफ द ओरिजिनेटर्स ऑफ वर्क्स यूज इन एन एडवर्टाइजिंग डिजाइन इज कॉल्ड. देखिए, जो ओरिजिनेटर के लिए यूज किया जाता है हमारे एडवर्टाइजिंग फील्ड में, तो वो है क्रेडिट लाइन. ठीक है, बेसिकली क्या होता है यानी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वो कॉन्टेंट, इसलिए उसको क्रेडिट लाइन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते. क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने, इन विच सिटी द अंडरग्राउंड रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर पोस्टर. अंडरग्राउंड के लिए किसे जाना जाता है जो पोस्टर के लिए फेमस है, हमारे लंदन को. और लंदन तो है ही पोस्टर के लिए फेमस, क्योंकि यहाँ पे कई सारे पोस्टर लगते थे अंडरग्राउंड, जो यहाँ पे व्हीकल वगैरह चलते थे जैसे मेट्रो वगैरह, तो उसमें पोस्टर का काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन किया जाता था, अलग अलग तरीके से किया जाता था. ठीक है, और जो पोस्टर के लिए एक म्यूजियम बना है पोलैंड के अंदर. ठीक है, वो ध्यान रखना, पोस्टर का म्यूजियम है पोलैंड के अंदर और काफ़ी फेमस म्यूजियम है ये पोस्टर का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, रेस्टर एंड वेक्टर आर द टू मेन वेज ऑफ सेविंग अ. देखिए, जो वेक्टर और रेस्टर में हम फाइल सेव करते हैं, डिजिटल इमेज में सेव करते हैं. ठीक है, और ग्राफिक होता है यानी हमारा जो हम क्रिएट करते हैं, हम सेव हमेशा डिजिटल मोड में करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने, टू प्रिंट फोटोग्राफिक टोन्स द इमेज इज कन्वर्टेड इनटू अ सीरीज ऑफ डॉट. ठीक है, जब हमें प्रिंट करना होता है तो वो डॉट में आ जाती है, मतलब हाफ टोन में वो इमेज कन्वर्ट होती है, देन वो प्रिंट होती है हाफ टोन में, मतलब डॉट में. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, वन ऑफ द की थ्योरी दैट अंडरपिन द फाउंडेशन ऑफ डिजाइन. डिजाइन के जो फाउंडेशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट की कौन है हमारी थ्योरेटिक, वो है जिसार्ड थ्योरी. ठीक है, जिसार्ड थ्योरी में बेसिकली कई सारे यानी 6 करीब प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें प्रॉक्सिमिटी होता है आपका, सिमिलैरिटी, क्लोजर, फिगर एंड ग्राउंड, नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं, यानी प्रॉपरली जो डिज़ाइनर के जो फाउंडेशन एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से बताया जाता है जिसार्ड की थ्योरी में. ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने, विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल फ्रॉम द प्रिंटिंग प्रेस टू बी यूज विद द मूवेबल टाइप. मूवेबल टाइप के लिए फर्स्ट कमर्शियल में क्या यूज़ किया गया, वो था लेटर प्रेस प्रिंटिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस इन द प्रिंट मेकिंग. प्रिंट मेकिंग के हमें प्रोसेस सीक्वेंस के अंदर लगाना है, तो सबसे पहले हम करेंगे ग्राइंड करेंगे. लिथोग्राफी का है दिया रखा है, तो लिथोग्राफी में पहले हम अपने जो पत्थर होता है, जो लिथो का स्टोन होता है, उसको ग्राइंड करते हैं, देन हम ड्राइंग करते हैं. ड्राइंग के बाद हम गम अरेबिक अप्लाई करते हैं, देन हमारा प्रिंटिंग होता है पेपर पर. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट फेमस प्रिंट मेकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. देखिए, समय के अनुसार हमें फेमस प्रिंट मेकर को लगाने, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा माइकल वॉलमर्ट आएगा, फिर आएगा ऑटोवियोनी लियोनी, फिर रेम्ब्रांड, देन विलियम होगार्थ. इनकी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ इन जो डेटो पर थे. माइकल वॉलमर्ट की आएगी हमारे 1432, और ये जर्मन के कलाकार है. ठीक है, जर्मनी कलाकार है.
जर्मन। फिर आते हैं ओटोवनी लियोनी, ओटोवियो लियोनी आएंगे हमारे जो इटली के कलाकार हैं, वो 1578 में इनका जन्म हुआ। रेम्ब्रांट आते हैं 1606 डच, मतलब नीदरलैंड के हैं ये, 1606 में जन्म हुआ इनका। फिर लास्ट में आएंगे हमारे विलियम होगार्थ 1697, और इनका जन्म यूके के अंदर होता है। ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस लग गया, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, समय के अनुसार हमें लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वुड कट ही आएगा, फिर तो आएगा, फिर एचिंग आएगा, फिर स्किल्स। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। वुड कट का हम देखा जाए तो 220 AD चाइना के अंदर, फिर लिथोग्राफी 1796 सेनफेल्डर, एचिंग का आएगा हमारा 18th century कह सकते हैं, और स्क्रीन पेंटिंग का हमारा 1910। ठीक है, तो हमारा यही सीक्वेंस रहेगा, फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, समय के अनुसार लगाना है हमें। तो सबसे पहले पुरानी गुफा आएगी जो भाजा की गुफा है, 2nd century BC की है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, फिर आएगी हमारी कार्ले की जो 2nd century BC से लेकर 5th century AD तक की है। ठीक है, 5th century AD। फिर आएगी हमारी जो बादामी की गुफा है वो, जिसका समय काल 6th century का है, 6th century से यानी रिलेटेड है ये। और दक्षिण भारत की गुफा है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, और एलोरा की आएगी हमारी 600 से 1000 के बीच में, 1000 AD। ठीक है, 1000 AD के बीच में आएगी। और एलोरा की तो आपको पता ही है, तीनों धर्म से रिलेटेड है, और बहुत लंबी चौड़ी गुफाएं हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मूर्तियां बनाई गई हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे सामने। अरेंज द फॉलोइंग आर्टिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब हमें जो ये आर्टिस्ट है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, समय के अनुसार। तो सबसे पहले आएगा हमारा कांडिंस्की आएगा, जो सबसे पुराना है कांडिंस्की, फिर मतीस, देन पॉल क्ली, लास्ट में पिकासो। इनका मैं जन्म बता देता हूँ, जो कांडिंस्की है वो एक रशियन कलाकार है जिनका जन्म 1866 में हुआ। फिर आते हैं हेनरी मतीस, हेनरी मतीस जो एक फ्रांस के कलाकार है, इनका जन्म 1869 में हुआ। देन पॉल क्ली जो एक स्विस आर्टिस्ट है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले, इनका जन्म 1879 में हुआ। लास्ट में आएंगे हमारे पिकासो जो स्पेन के कलाकार है, 1881 में इनका जन्म हुआ। अगर पिकासो को याद करना है और तो आपको 18 का उल्टा कर देना, 18 का उल्टा पिकासो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही सीक्वेंस। तो हमारा 30 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंडियन टेक्स्ट। देखिए, हमें समय के अनुसार भारतीय ग्रंथों को लगाना है। तो सबसे पहले आएगा सबसे पुराना जो है वृहत संहिता लिखी थी वराहमिहिर ने। ठीक है, वराहमिहिर, और इन्होंने लिखी थी 500 AD अराउंड। ठीक है, फिर आते हैं कादंबरी जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने इसको लिखा था अराउंड 7th century। ठीक है, फिर आएगा हमारा अभिनव भारती जो अभिनव गुप्त द्वारा लिखी गई थी, और इसका समय पीरियड माना जाता है 950 से 1020 करीब। ठीक है, फिर लास्ट में आएगी हमारी पंचदर्शी जो 1377 में एडविता द्वारा लिखी गई, एडविता वेदांता। ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस यही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पार्ट ऑफ पिलर इन ग्रीक आर्किटेक्चर। ग्रीक आर्किटेक्चर में हमें पिलर्स के जो पार्ट है उसको ऑर्डर लगाने असेंडिंग में। तो पेपर 2 में मैंने अभी बताया था आपको कि जो होते हैं इसके, यानी एक एक पॉइंट बताया था मैंने, शाफ्ट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, फिर उसके आर्किट्रेव वगैरह। तो यहाँ पे मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ दोबारा।
तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे पेडिस्टल आएगा, ये जो तीन होते हैं, ये तीन, ठीक है, तो ये हमारा पेडिस्टल होता है, सीढ़ियाँ होती है, ठीक है। फिर आता है शाफ्ट, जो ये लंबा वाला जो होता है एरिया, यानी जो पिलर का होता है एरिया, ये शाफ्ट होता है। देन आता है कैपिटल, ये जो एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये थोड़ा सा डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट होता हुआ कोरिएंथन में और आगे गया, तो ये होता है कैपिटल। फिर उसके ऊपर होता है आर्किट्रेव, तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के जो टेम्पल है उसके जो एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें उसे सीक्वेंस में लगाना है, मतलब जो सबसे पहले बना, देन उसके बाद में कौन सा बना। तो सबसे पहले आएगा हमारा परशुरामेश्वर मंदिर, जो 7th से 8th सेंचुरी के बीच का बना हुआ है, ठीक है, सेंचुरी बोले तो शताब्दी। देन आता है मुक्तेश्वर मंदिर, जो 10th सेंचुरी का है। फिर आता है लिंगराज मंदिर, जो 11th सेंचुरी का है। फिर आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो जिसकी एग्जैक्ट डेट हमें मालूम है, जो 1230, देखिए जो 1200 से आगे ना, तो इसको हम 13वीं शताब्दी का बोल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम 11वीं शताब्दी का किसी को बोल रहे हैं तो वो 1100 नहीं होगी, वो 1100 से कम का समय होगा, मतलब 1000 से 1100 का समय हमारा 11th सेंचुरी होगा, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पेंटिंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए समय के अनुसार हमें लगाना है पेंटिंग्स को, तो सबसे पहले आएगी सबसे पुरानी वाली, तो सबसे पुरानी आपको यहाँ पे द, तो यहाँ पे बेपिस्ट्री ऑफ क्रिस्ट की मिलेगी सबसे पुरानी, जो 1472 से 1475 के बीच की है, ठीक है। फिर आएगी, देखिए ये जो बेपिस्ट्री ऑफ क्रिस्ट है, तो ये बहुत पुरानी पेंटिंग है, और ये बनाई गई थी वेरासियो, जो लियोनार्डो का गुरु था, वेरासियो, ठीक है, जो लियोनार्डो का गुरु था वो, और जो लियोनार्डो था वो, इन दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई थी, लियोनार्डो दा विंसी और वेरासियो दोनों ने मिलकर ये वाली पेंटिंग बनाई थी, बैप्टिस्म ऑफ क्राइस्ट की, ठीक है। फिर आते हैं हमारे द एडोरेशन ऑफ मैगी, द एडोरेशन मैगी, इसमें सिर्फ लियोनार्डो का नाम है और इसने बनाई थी 1481 में। फिर आती है हमारी लास्ट सपर, लियोनार्डो ने इसको बनाया था 1495 से 1498 के बीच। फिर लास्ट में आएगी इनमें मोनालिसा, जो बनाई थी 1503 में, और मोनालिसा रखा हुआ है, आपको ही पता होगा, लूव्र संग्रहालय पेरिस के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा सही सीक्वेंस, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर, फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे सामने। अरेंज द एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट, जो यानी एस्टैब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस में लगानी है एजेंसी को। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी सबसे पुरानी मैकेन आएगी, 1902 का माना जाता है इसका। फिर ओगिलवी एंड मदर आएगी, जिसका डेविड ओगिलवी ने किया था, 1964 माना जाएगा। देन आर के स्वामी बीबीडीओ, इसका एग्जैक्ट हमें पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1973। देन आएगी हमारी मुद्रा कम्युनिकेशन 1990 में आएगी। ओगिलवी मदर का यानी नाम जब चेंज हुआ था ना, ओगिलवी मदर की जो एजेंसी है इसका स्टार्टिंग में नाम कुछ और था, जब यानी ऑफिशियल नाम इसका ओगिलवी एंड मदर रखा गया, तो वो वाला सन है हमारा 1964, ठीक है। फिर जो मैक एरिक्सन है, जो मैकेन एरिक्सन वाली कंपनी है, इसको यानी 1902 में इस्टेब्लिशमेंट मिली थी, फिर इसके भी कई सारे प्रोसेस चले बाद में, तो 1902 इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा सही सीक्वेंस है और सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे सामने। अरेंज द मेजर स्टेप इन प्रिंटिंग प्रोसेस, जो प्रिंटिंग प्रोसेस में मेजर स्टेप होता है उसे हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हम आएंगे अपना, सबसे पहले हम क्रिएटिव वर्क तैयार करते हैं, देन उसको उस फाइल को प्री प्रेस में भेजते हैं, प्री प्रेस में हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, देन हम उसको फाइनल प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं, देन फिर फिनिशिंग होती है उसकी, फिनिशिंग एंड कन्वर्टिंग,
तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे सामने, अरेंज द नेम ऑफ द क्रिएटिव लीडर इन इंडियन एडवर्टाइजिंग इन ऑर्डर ऑफ अपीयरिंग। अब हमें इंडियन जो एडवर्टाइजर हैं लीडर्स, उनको सही सीक्वेंस में लगाना है अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा मुंबई का ये अलीक पदमसी, जो मुंबई का है, 1928 में इनका जन्म होता है। फिर आएंगे पीयूष पांडे, जो जयपुर के रहने वाले हैं, 1955 में इनका जन्म हुआ। फिर आएंगे हमारे प्रसून पांडे, जो 1961 में जन्म होता है। देन लास्ट में प्रसून जोशी, 1971। और ये जोशी मतलब यानी पहाड़ी है ये, ठीक है, तो पहाड़ी है तो मतलब यूके की साइड के हैं, ठीक है, अल्मोरा के। और प्रसून जोशी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब जब कोक की इन्होंने ऐड निकाली थी ठंडा, मतलब कोका कोला, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ऐड रही, तो उसके बाद से प्रसून जोशी का बहुत ज़्यादा नाम चल गया। ठीक है, तो और पीयूष पांडे तो वैसे ही बहुत बड़े माने जाते हैं। और ये चारों यानी लीडर अपनी अपनी फील्ड के बहुत महारथी हैं, स्पेशली बोले तो एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समय के अनुसार हमें लगाना है ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमारी इजिप्शियन आर्ट आएगी, इन चारों को देखें तो इजिप्शियन आर्ट जो 31st century BC की है, ठीक है, सेंचुरी बी सी। फिर आएगी हमारी ग्रीक आर्ट जो 1050 BC की मानी जाती है, यानी स्टार्टिंग में 1050 BC माना जाएगा। देन आएगी हमारी रोमन आर्ट जो 1st century BC की है, ठीक है, 1st century BC की बेसिकली। देन आएगी हमारी बरोक आर्ट, बरोक आर्ट हमारी 70th century की, ठीक है, सेंचुरी AD। तो हमारा यही सही सीक्वेंस है, सही हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्कल्पचर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हमें जो स्कल्पचर है, मूर्ति है, उनको समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले हमारा आना चाहिए एज ऑफ ब्रॉन्ज, द एज ऑफ ब्रॉन्ज जो रेडिन ने बनाया था 1875 में। इसके बाद आएगा मॉन्यूमेंट ऑफ थर्ड इंटरनेशनल, जिसको हम टैटलिन टावर के नाम से भी जानते हैं, टैटलिन टावर, ठीक है, जो कभी बना नहीं था। टैटलिन ने इसको यानी सोचा था कि बनाऊंगा, बट ये बना नहीं कभी। ये 1919 में लगा था और 1920 तक ये हार मान चुका था। फिर इसके बाद द किंग प्ले विद द क्वीन, द किंग प्ले विद द क्वीन स्कल्पचर है मार्क्स अर्न्स्ट का, मैक्स अर्न्स्ट का, ठीक है, मैक्स अर्न्स्ट इसको बनाते हैं 1944 के अंदर। और फिर लास्ट में आते हैं बबून एंड यंग, जो पिकासो द्वारा बनाया गया 1951 में। और पिकासो आपको पता ही है, हर एक मीडियम में काम किया था वो, प्रिंट मेकिंग में भी काम किया, स्कल्पचर में भी काम किया, इंस्टॉलेशन भी किया और पेंटिंग भी खूब करी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समय के साथ हमें लगाना है, तो सबसे पहले हमारे डी पी राय चौधरी ही आएंगे, जो बांग्लादेश में जन्म हुआ 1899 में। इसके बाद आएंगे हमारे चिंतामणि कर, जो काफ़ी फेमस थे, इन्होंने विदेश की यात्रा भी करी, तो वेस्ट बंगाल का जन्म है चिंतामणि का, और 1915 में इनका जन्म होता है। नागजी पटेल, पटेल से आपको समझ जाना चाहिए गुजराती है, ठीक है, तो गुजरात में पैदा हुए 1937 में, ठीक है, गुजरात। फिर आते हैं लतिका कट, जो यानी बेसिकली 1948 में जन्म हुआ। तो हमारा हो गया सही सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। देखिए, जो चीजल होता है वो हम कटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो हम स्कल्पचर को तराशने के लिए यहाँ पे आएंगे चीजल को लेकर। रोकर जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली, जो मेजर टिंट वगैरह के लिए यूज़ होता है रोकर, जिसमें यानी
ब्लेड वाली शेप में होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो उसको हम यूज़ करते हैं अपने प्रिंट मेकिंग में मेजर टिंट के लिए, और वेक्टर के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए। ग्राइंडर हम लिथोग्राफी में यूज़ करते हैं लिथोस्टोन को ग्राइंड करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2413, 2413 हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। बिमल बैनर्जी आएंगे यहाँ पर, बिमल बैनर्जी जो ओरिगामी प्रिंट में देखते हैं काम इनका, नंदलाल बोस लिनो कट में काम करते हैं, और लिनो कट में एक इनका शानदार काम है जो गांधी का दांडी मार्च वाला इन्होंने बनाया लिनो कट में। फिर आते हैं जगमोहन चोपड़ा जो कोलोग्राफी प्रिंट के लिए फेमस हैं, देन सनतकर जो वुड इंटेग्लियो करते हैं प्लस इंडिया में भी ये वुड इंटेग्लियो लेकर आए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3142, 3142 सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 मैच द फॉलोइंग। कृष्णा रेड्डी का काम मस्करा, ज्योति भट्ट का काम हेड है, कवल कृष्ण का काम लामा मलेरप्पा, और लास्ट में आते हैं अनुपम सूद जिन्होंने बनाई है ट्रिब्यूट, ठीक है। तो हमारा ये हो गया सीक्वेंस 3421, 3421 हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। पिकासो का काम ड्रीम है, ठीक है, इनका यानी जो ड्रीम वाला काम है द ड्रीम, इसको यानी स्पेनिश कलाकार है तो स्पेनिश भाषा में इसको कहा गया है ले रेवे, ठीक है। और फिर आते हैं जॉन मीरो जो उसने बनाया है वाइट लेडी, फिर आते हैं पॉल क्ली लॉस्ट इन थॉट, देन आते हैं विक्टर वसारले जिन्होंने जेब्रा बनाया है। तो हमारा सही सीक्वेंस ये हो जाएगा 3412, 3412 सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। हिरनदास का काम है यहाँ पर स्वीट होम, फिर आते हैं कृष्ण खन्ना जो बनाते हैं बंदर वाला काम है इनका, राम कुमार का काम है लद्दाख मोनेस्ट्री, विवान सुंदरम का काम है डेथ ऑफ एसिडियन किंग, ठीक है। तो हमारा सही सीक्वेंस यहाँ पे लग चुका है, और तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही, 4123, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग नोल्डे अमाइल हो जाएगा हमारे एक्सप्रेशनिज्म में, मालेविच काजमीर जो सुप्रमेटिज्म में है, फिर आते हैं मोली नागजी जो बाहुआस से रिलेटेड हैं उसी आर्ट ग्रुप की है, फिर आते हैं लोरेनोव मखेल जो रियनिज्म से रिलेटेड है। रियनिज्म बेसिकली जो रशिया है वहाँ का एक आर्ट मूवमेंट है, ठीक है, और उससे ये जुड़े हुए हैं। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2314, हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। एजे हिचकॉक ये फिल्म डायरेक्शन में आएंगे, और फिर आते हैं पॉल रान जो लोगो डिजाइनर है जिन्होंने IBM का लोगो डिजाइन किया था, इवान चारमेव का है हमारा बुक जैकेट के अंदर, और फिर आते हैं कसान रे जो पोस्टर डिजाइनर है, ठीक है। तो ये हमारे सारे लग गए 1 3 2 1 3 2, हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। तो दादाजम के लिए आएंगे हमारा स्विट्जरलैंड में हम, क्योंकि वहीं पे सेंटर था दादाजम का, और फिर एक्सप्रेशनिज्म में आएंगे हम जर्मनी, और मॉडर्निज्म में वेस्टर्न यूरोप एंड USA, एंड आर्ट नूवे हमारा ब्रिटेन में आता है। तो हमारा लग गया है सही सीक्वेंस 3412, तो हमारा हो जाएगा 3412 सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग पेयर। HMV का लोगो जिसमें आपको डॉग दिखेगा, प्लेबॉय का लोगो जिसमें आपको रैबिट दिखेगा, WWF जो मशहूर पांडा दिखेगा, और लो कास्टो जिसमें क्रोकोडाइल दिखेगा मगरमच्छ, ठीक है। तो हमारा सही सीक्वेंस है 4 1 2 3 4, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 है, मैच द फॉलोइंग। मोनालिसा संग्रहित है हमारी लूवर म्यूजियम के अंदर, एडिना मस्जिद हमारी पंडुआ के अंदर, और हमजा नामा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। फिर आते हैं दीदारगंज यक्षी जो पटना म्यूजियम के अंदर संग्रहित है। तो हमारा हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। कंस्ट्रक्टिविज्म में आएगा अलेक्जेंडर रेचोन को, देन आएगा हमारा कॉन्स्टेंटाइन बैंकुसी बर्ड इन स्पेस, फिर आएगा एडगर देगास का काम आएगा पोस्ट इम्प्रेसिविज्म है ये, फिर आता है ब्रुकलिन ब्रिज, ये आएगा हमारा जॉन रैबलिंग में, ठीक है जॉन रैबलिंग। तो हमारा सही सीक्वेंस हो गया 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। धीमान जो यानी इनमें से रिलेट है पेंटिंग से क्योंकि ये आर्टिस्ट था, नग्नजीत का यानी चित्र सूत्र से रिलेटेड है, खापुरी खापुरी मंदिर से रिलेटेड है जो ये हमारी लिंगराज मंदिर है, और खुर आ जाएगा हमारा जगती। तो हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 58 है, मैच द फॉलोइंग। सिरदे पर्दू हमारी लोस्ट वैक्स मेटल कास्टिंग में आ जाएगी, और डोकरा हमारी इंडिजीनियस मेटल कास्टिंग जो भारतीय शब्द है एक डोकरा। फिर आता है बुशमेयर जो एक स्टोन कार्विंग के लिए यूज होता है बुशमर। फिर आता है पायरोमेट्रिक कॉन जो टेराकोटा को हीट करने के लिए काम आता है। तो हमारा ये ऑप्शन में सही आ जाएगा 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। जीन आप ये मैडम टॉसो से जोड़ो, लोइजर नेवल्सन आ जाएगा रॉयल टाइड, मैरिनो मारिनी आ जाएगा हॉर्स एंड राइडर, और जियोकोमो मंजू आ जाएगा हमारा गर्ल इन चेयर, ठीक है। तो हमारा लग गया सही सीक्वेंस 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे सामने, धनराज भगत शिवा डांस आ जाएगा, प्रदोष दास गुप्ता आ जाएगा इन बॉन्डेज जो काफ़ी फेमस है, राम किंकर बेज यक्ष से जुड़ जाएंगे, और बलबीर सिंह कट जुड़ जाएंगे नादेश्वर से, ठीक है बलबीर सिंह कट नादेश्वर यक्ष राम किंकर बैज, ये हमारा सही सीक्वेंस में लग गया बिल्कुल। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे सामने, अब असर्शन आएगा। असर्शन में कह रहे हैं स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस कैन बी यूज फॉर प्रिंटिंग ऑन एनी 2D एंड 3D सरफेस। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, 2D 3D सरफेस पे हम स्क्रीन प्रिंटिंग आसानी से कर सकते हैं। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज द एसेंशियल टूल यूज फॉर प्रिंटिंग इन ऑल प्रिंट मेकिंग प्रोसेस आर सेम। देखिए यहाँ पे गलत कहा जा रहा है कि हर एक प्रिंटिंग मेकिंग जो प्रिंट मेकिंग का प्रोसेस है वो यानी आसान होता है या सेम होता है, ये गलत है। तो हमारा असर्शन सही है बट रीजन गलत है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे सामने है, ए लापोपे इज इंटाग्लियो प्रिंट मेकिंग टेक्निक फॉर यूजिंग डिफरेंट कलर ऑफ इंक। बिल्कुल सही, एलापोपे एक शब्द है जो यूज किया जाता है इंटाग्लियो के अंदर डिफरेंट कलर की जो इंक है वो यूज करने के लिए। फिर आता है रीजन में बिकॉज द टर्म एलापोपे मीन विथ अ डॉल विथ रेफरेंस टू अ वार्ड ऑफ फैब्रिक। यहाँ पे रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, जो एलापोपे का जो शब्द आया मीन आया वो डॉल से है, ठीक है विथ अ डॉल विथ रेफरेंस ऑफ वार्ड फैब्रिक, ठीक है फैब्रिक से रिलेटेड। तो हमारा रीजन असर्शन बिल्कुल सही है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे सामने, असर्शन कहता है प्रिंट मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रिंटेड इमेज बाय यूजिंग अ सरफेस। तो यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग कहा गया है, यानी उल्टा ही कहा गया है कि सरफेस को यूज करके हम प्रिंट करते हैं। रीजन कहा जा रहा है बिकॉज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी लिथोग्राफी स्टोन वर यूज एंड पेव द वे फॉर एचिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे गलत कहा गया है,
लिथोग्राफी एक प्लेनोग्राफी वाला प्रोसेस है जिसपे नॉन इमेज और इमेज वाला एरिया सेम होता है, और फिर वहाँ से एचिंग के प्रोसेस की ओर, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, हमारा असर्शन भी रॉन्ग है और रीज़न भी, तो हमारा बहुत सारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, असर्शन कहता है राजा रवि वर्मा गेव एन इंडियन आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस टू वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग टेक्निक। बिल्कुल सही। रीजन दिया जा रहा है, ही रिकॉग्नाइज द इंडियन वैल्यूज एंड कल्चर ट्रेडिशन एंड गेव अ न्यू विजन टू इंडियन आर्ट। रीजन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है कि जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने फॉरेन के जो वेस्टर्न का ऑयल पेंटिंग था उस टेक्निक को अपनाया और अपना यानी ट्रेडिशन बनाया थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल रीजन और एसोसिएशन करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे बहुत सारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। असोसिएशन कहता है देयर इज नो आर्ट ट्रेडिशन सिमिलर टू ट्रेडिशन ऑफ रंगमाला पेंटेड इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो रागमाला पेंट किया जाता था हमारे संगीत की दुनिया के लिए, तो वो किसी और के यानी कल्चर में दिखता नहीं है, तो रीजन असोसिएशन सही है। रीजन देखते हैं, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट लाइक म्यूजिक हैज बीन गिवन अ फॉर्म इन रागमाला पेंटिंग। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो म्यूजिक में यानी फॉर्म वगैरह होते हैं वो रागमाला में पेंट किया गया, तो हमारा असोसिएशन रीजन दोनों करेक्ट है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे सामने। असोसिएशन कहता है ड्राइंग इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ द विजुअल आर्ट। बिल्कुल सही, ड्राइंग हमारा बेसिक कंपोनेंट होता है हमारे विजुअल आर्ट में। रीजन दिया जा रहा है, बिकॉज विदाउट इट फॉर्म एंड इमेज कांट बी क्रिएट, और इसके बिना कोई भी फॉर्म क्रिएट नहीं की जा सकती, जो बिल्कुल राइट है, तो हमारा बोर्ड थार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे सामने। असोसिएशन कहता है बर्डिनी इम्प्लॉयड एवरी सॉर्ट ऑफ इल्यूजनिज्म इमेजिनेबल इन हिज कार्विंग्स। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, बर्डिनी एक एक डिटेल को इल्यूजनिज्म और इमेजिनेबल के साथ कार्व करता था, और ये बहुत अच्छे स्कल्प्टर थे बर्डिनी। रीजन दिया जा रहा है, ही वॉन्टेड टू ट्रांसफर हिज फिगर ऑफ हार्ड एंड कोल्ड मार्बल इन टू वन फ्लैश एंड एरी इफेक्ट इन फ्लीटिंग मोमेंट। और रीज़न भी हमारा बिल्कुल सही है, जो वर्णन है वो फिगर में यानी कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते थे, ट्रांसफर करते थे कि जो हार्ड है और जो कोल्ड मार्बल है उसमें थोड़ा सा वार्म इफेक्ट और एयर इफेक्ट क्रिएट करना, तो रीज़न हमारा बिल्कुल सही है, तो बहुत सारा हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 69 हमारे सामने। असोसिएशन कहते हैं कॉग्निशन इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बाय विच नॉलेज इज गेन अबाउट परसेप्शन एंड आइडियाज। जो कॉग्निशन होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं, परसेप्शन एंड आइडिया, ठीक है, ये वाली नॉलेज गेन करते हैं, तो असोसिएशन हमारा सही है। रीजन देखते हैं, रीजन में कहा जा रहा है कॉग्निशन इज डायनेमिक ऑफ नॉलेज। कॉग्निशन इज डायनेमिक ऑफ नॉलेज, इसको हम राइट मान सकते हैं, एक्यूरेट तो नहीं मानेंगे, राइट मान सकते हैं। रीजन तो हमारा होना चाहिए नियर द करेक्ट, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, असोसिएशन कहता है मैनी अवार्ड एंड ऑनर्स वर बिस्टाउड ऑन स्कल्पचर श्री रामवीर सुतार इन रिकॉग्नाइज ऑफ हिज फिनोमिनल अचीवमेंट। जो रामवीर सुतार है उन्होंने कई सारे अवार्ड वगैरह जीते हैं और एक अच्छे स्कल्पटर की तरह उभरे हैं। बिल्कुल सही, वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो इन्होंने ही बनाया है, जो बहुत यानी टॉलेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। रीजन देते हैं, राम हैज मास्टरी ओवर द स्टोन एंड मार्बल स्कल्पटिंग बट ही डिलाइट इन कास्टिंग ब्रॉन्ज एंड मैनी ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क आर इन ब्रॉन्ज। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, रीजन में जो राम सुतार अवतार हैं उनको यानी स्टोन और मार्बल में काम करना पसंद है, बट ही डिलाइटेड उनको फिर भी कास्टिंग ब्रॉन्ज कास्टिंग में ज़्यादा काम करना अच्छा लगता है, मोस्ट फेमस वर्क इन ब्रॉन्ज, और फेमस वर्क भी उनके ब्रॉन्ज के ही, तो हमारा बोथ आर करेक्ट है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 71 है। असर्शन कहता है मॉन्यूमेंट ऑफ बालजाक इज अ स्कल्पचर बाय ऑगस्ट इन मेमोरी ऑफ द फ्रेंच नॉवलिस्ट बालजाक।
बिल्कुल सही, अकॉर्डिंग टू रॉडेन द स्कल्पचर एम टू पोर्ट्रे द राइटर्स पर्सनैलिटी रेदर देन फिजिकल लाइकनेस। बिल्कुल सही कहा गया रीजन में यानी असर्शन में कि जो अगस्तस रोजी ने उन्होंने ये वाला मोन्यूमेंट बनाया बालजाक का, जो एक नॉवलिस्ट से है बालजाक, और फिजिकल लाइकनेस में ज़्यादा वो बताया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, रीजन दिया जा रहा है आफ्टर कमिंग अंडर द क्रिटिसिज्म द मॉडल वॉज एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी। बिल्कुल सही, द मॉडल वॉज कास्ट इन ब्रॉन्ज एंड इमिडिएटली प्लेस इन द बेल्वेडर डू मोंटे प्लांस। बिल्कुल सही है रीजन हमारा, तो बहुत हार करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। असर्शन कहता है नंद गोपाल सिग्नेचर स्टाइल इज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी आर्ट। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो सिग्नेचर स्टाइल है जो इज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल को ब्लेंड करता है कंटेम्प्रेरी आर्ट के साथ। जो नंद गोपाल है काफ़ी अच्छे स्कल्प्टर और मद्रास मूवमेंट के अच्छे माने जाते हैं। रीजन दिया जा रहा है नंदा गोपाल स्कल्पचर हैव यानी ऑफन हैव अ फ्रंटियर एस्पेक्ट विच इज़ वन ऑफ द डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ मद्रास आर्ट मूवमेंट। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, इनका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है यानी कुछ नया निकल के आता है स्कल्पचर्स में ये। और नंद गोपाल के सी एस पन्नीकर के यानी सन है, पुत्र हैं, बेटे हैं, और बहुत अच्छे स्कल्प्टर है और मद्रास आर्ट मूवमेंट के भी अच्छे पार्ट यानी वो रहे मेंबर, और ये चोल मंडल के भी स्कल्पचर यानी मेंबर हैं। ठीक है, तो हमारे बोथ आर करेक्ट हैं यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 73 है। असर्शन कहता है मैनी ऑफ द वर्ल्ड टॉप फेमस लोगो यूज एनिमल। बिल्कुल सही, फेमस जो लोगो है यानी वर्ल्ड के टॉप लोगों में आपको फेमस एनिमल्स ही दिखेंगे। ठीक है, रीजन में कहा जा रहा है एनिमल इमेजरीज आर वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग कोर एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ कंपनी। और यहाँ पे रीजन भी बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है, जो एनिमल की इमेजरी है आर वेरी इफेक्टिव मेथड टू डिस्क्राइब कोर एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में दिखाने के लिए जो एनिमल का बहुत अच्छे से यूज होता है। तो हमारा बोथ आर करेक्ट होगा यहाँ पे, तो सेकंड हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है। असर्शन कहता है द यूज ऑफ इमेजेस विद टेक्स्ट इज एट द हार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ग्राफिक डिजाइन। जो ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन दी जा रही है यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो इमेज और टेक्स्ट का यूज करते हैं उससे हमारी ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन बनती है। बिल्कुल रीजन दिया जा रहा है द कॉम्बिनेशन डिक्रीज क्या डिक्रीज करते हैं ग्राफिक पॉसिबिलिटी बाय मैनी टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये गलत है, ऐसा कुछ इन दोनों का कॉम्बिनेशन इमेज और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन ग्राफिक पॉसिबिलिटीज को कभी डिक्रीज नहीं करता। तो हमारा असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है, तो हमारा आर फॉल्स हो जाएगा, ए ट्रू हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। पेपर थ्री का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। असर्शन कहता है मोस्ट ऑफ द करिकुलम इन डिजाइन स्कूल इज कंसर्न विद हाउ टू मेक थिंग लुक गुड। ये बिल्कुल कह सकते हो आप करेक्ट, क्योंकि सभी कंसर्न करते हैं यानी जो भी स्कूल वो टीचिंग कराते हैं उनका सबका यही कंसर्न रहता है कि डिजाइन को हम अच्छा कैसे बनाए, क्या यानी ब्यूटिफाई कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये बिल्कुल असर्शन सही कहा जा रहा है। रीजन में कहा जा रहा है क्रिटिकल रोल ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स प्रोफेशनली प्लेज इन द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन विथ एक्यूरेसी नॉट द लुक। और जो क्रिटिकल रोल होता है ग्राफिक डिजाइनर का वो एक्यूरेसी को लेकर होता, तो हमारा रीजन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है और असर्शन भी सही है, तो बहुत हार ट्रू हो जाएंगे हमारे ऑप्शन यहाँ पे, बहुत हार करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे पेपर थ्री के पूरे 75 क्वेश्चन। एक नॉलेजेबल वीडियो को लास्ट तक देखने वाले को मैं एक गुड लर्नर मानता हूँ एंड यू आर एन अमेजिंग लर्नर। तो देखिए, अब पहले तो जाके सबसे यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक कीजिए और विजुअल नेट का पेपर डाउनलोड कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपका नॉलेज कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ना है। और जब पेपर के लिए आप कॉन्फिडेंस होते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता पेपर क्रैक करने के लिए। ठीक है, और अगर कोई आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं तो या आप सीरियस हो कि सर मैं करना चाहता हूं, तो उनके लिए मेरा ये पेड कोर्स अवेलेबल है जिसमें मैं यानी बहुत सारी वैल्यूज प्रोवाइड करता हूं, लाइक क्वेश्चन पेपर,
नेट यानी टेस्ट सीरीज चलती है और नोट्स मिलते हैं, एक एक कोचिंग मिलती है और रिसेंट एक्टिविटी के ऊपर जो आर्ट एंड कल्चर की एक्टिविटी होती है जिसमें आर्टिस्ट और उसके वर्क और सबको डिस्क्राइब किया जाता है, उस ग्रुप का पार्ट आप बनोगे उस पेड ग्रुप में और फ्री कंटेंट में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।